रांची प्रदेश मुख्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के अलावे प्रदेश चुनाव सह प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र, संगठन मंत्री करमवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा समेत चुनाव प्रबंधन समिति के सभी सदस्य मौजूद हैं। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हो रही है। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस जेएमएम की बातों में झारखंड की जनता आने वाली नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने अपना विश्वास जनता के प्रति खो चुका है। जो बड़ी बड़ी वादा करके 2019 से पहले जो चुनाव में वोट बटोरने का काम किया था, उन वादों का आखिर क्या हुआ? युवाओं को क्यों ठगा? माताओं को मनो क्यों ठगा? आज जो योजनाओं की झड़ी लगा रहे हैं, जो घोषणा कर रहे हैं, 5 साल तक आप क्या कर रहे थे साहब? पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 5 साल तक आपने बहनों को क्यों नहीं पैसा दिया? चूल्हा प्रमुख माताओं बहनों को 2000 रुपये देने की बात थी, क्यों नहीं दिया? युवाओं को बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया? 1 लीटर पेट्रोल में 25 रुपया सब्सिडी क्यों नहीं दिया? झूठ का पिटारा कितना दिन चलेगा? इसलिए जनता इनके झांसे मानने वाली नहीं है। इनको मुंहतोड़ जवाब आगामी विधानसभा चुनाव देने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को बनाया है, अब जब जब सत्ता में आई है इस राज्य का कल्याण किया है, लोगों का कल्याण किया है। और जब अब जेएमएम की कांग्रेस के समर्थन सरकार बनी है इस राज्य के महत्वपूर्ण है, लेकिन ये मेरा विषय नहीं है। आप जो लोग मीटिंग करके निकलेंगे, बीजेपी हमेशा आरोप लगाती रहेगी कि जो केंद्रीय योजना है जल जीवन की, उसमें ये घोटाला हुआ है। बिल्कुल घोटाला ही नहीं हुआ, मैं तो विधायक रहा हूँ हजारीबाग का, और अभी आप जाकर के देखिए हजारीबाग में 90% योजनाएं जो है बंद है। तो ये जो प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था, तो ये जल जीवन मिशन घोटाले के भेंट चढ़ गया है पूरे झारखंड में। आज जो ईडी कार्रवाई कर रही है उसमें देखिए कानूनी कार्रवाई है, स्वतंत्र एजेंसी अपना कार्रवाई करेगी, उसमें हम लोगों को कुछ करना।